क्या आप भी कंफ्यूज है कि 3000 रुपए तक में कौन से ईयरबड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो देखने में स्टाइलिश हो, जिसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो, जिसमें बैटरी भी अच्छी चलती हो और जो आईफोन और iOS दोनों ही फोन्स के साथ कंपेटेबल हो? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसे ही प्रोडक्ट का जिसकी कीमत लगभग 3000 रुपए है और इसका नाम है प्लेगो T44 ईयरबड्स और ये वायरलेस ईयरबड्स हैं, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मैं कहूँ इन्हें। और इसी प्रोडक्ट का आज मैं रिव्यू करूंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा सब कुछ सच सच, क्योंकि ये है लेट्स बी ऑनेस्ट। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के वीडियो और पता लगाते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूं शिवम। तो ये है प्लेगो T44 ईयरबड्स का बॉक्स और सामने आपको इसके डिजाइन की एक लुक देखने को मिल जाती है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 इसमें दिया गया है। 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट की मिलती है और बॉक्स के बैक साइड में इसके फीचर्स हाईलाइट किए हुए हैं। डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है प्लेगो ईयरबड्स का। ऊपर यहाँ कैपेसिटिव टच कंट्रोल दिया गया है, जिससे डबल टैप पर म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हैं और कॉल पिक कर सकते हैं। लॉन्ग टच से नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं और ट्रिपल टैप से फ़ोन की वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ बीच में ये 2 चार्जिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है और उसके नीचे यहाँ माइक्रोफोन दिया गया है और बैक साइड में यहाँ ग्लॉसी फिनिश के साथ प्ले की ब्रांडिंग की गई है। और फिट की मैं बात करूँ तो इनका डिज़ाइन भी ऐसा है कि ये किसी के भी कान में ईजिली फिट हो जाते हैं और निकलते तो बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 3.5 ग्राम एक ईयरबड का वेट है, हल्के हैं काफ़ी ज़्यादा और मैंने फुल डे इनको अपने कानों में लगाया हुआ था तो हैवी तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इनको लगाकर मैंने एक्सरसाइज भी की है, रनिंग भी की है और निकलते भी नहीं है। आप चाहे अपने सर को कितना भी इधर उधर घुमा लीजिए, इनका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से ये इजीली फिट हो जाते हैं और निकलते नहीं हैं। और IPX4 रेटिंग के साथ ये आते हैं तो ये स्वेट प्रूफ भी है। वहीं ये है इसका चार्जिंग कम कैरिंग केस, जो कि कैप्सूल डिज़ाइन में है और ऊपर यहाँ प्ले की ब्रांडिंग दी हुई है, नीचे इसके मॉडल और बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और पीछे टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग। इसको खोलने पर LED इंडिकेटर लाइट यहाँ दी गई है, जो बैटरी फुल होने पर ग्रीन रहती है और 50% या उससे कम रहने पर ऑरेंज रहती है। इसके नीचे ये मल्टी फंक्शनल बटन दिया गया है, जो कि अगर 3 सेकंड्स तक प्रेस करेंगे तो वाइट लाइट ब्लिंक होगी और पेयरिंग मोड ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड तक प्रेस करने पर ईयरबड्स फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे और सारी पेयरिंग हिस्ट्री इनसे डिलीट हो जाएगी। 500 mAh की बैटरी है इस केस की और इस केस को 0 से फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लगता है और अगर आप ईयरबड्स को केस से चार्ज करेंगे तो ईयरबड्स 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 4 दिन से मैं इनको यूज कर रहा हूं और अभी तक मुझे केस को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने TV से कनेक्ट करके वेब सीरीज देखी है, लैपटॉप से इनको कनेक्ट किया है, ऑब्वियसली फोन के साथ तो यूज किया ही है और कनेक्टिविटी में कहीं कोई इशू नहीं आया है। और केस से इन ईयरबड्स को निकालने पर ये ऑटोमेटिकली लास्ट डिवाइस से रिकनेक्ट हो जाते हैं। हालांकि इस रेंज के बाकी ईयरपोड्स की तरह इसमें भी वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए टच कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। कॉल पर भी मैंने बात की, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, कोई भी मुझे ऐसी कोई मेजर इशू इसमें फेस नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी की बात करूं तो वो डिसेंट है, सब चीजें बैलेंस्ड है, चाहे बेस हो चाहे वोकल्स हो। हालांकि आप इससे ज्यादा बूस्टेड बेस की एक्सपेक्टेशंस ना करें, फिर भी अगर फुल वॉल्यूम पर भी आप सुन रहे हैं तो क्लैरिटी वो जरूर बरकरार रहेगी। 2999 रुपए की इनकी कीमत है और 14 जुलाई से आप इनको ऑफलाइन स्टोर से और ऑनलाइन अमेजन से या फिर प्ले के ई स्टोर से खरीद सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो रह गया है रिव्यू में, वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहें टेक तक।